मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन खत्म किया था। अब आज पॉइजन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हम स्टार्ट कर रहे हैं। यह पॉइजन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपके लिए नया है, 12th स्टैंडर्ड में या 11th स्टैंडर्ड में या पिछले कोई स्टैंडर्ड में नहीं आया था। तो पॉइजन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़ना, बराबर ध्यान आपने समझो, 100% आवर्स, राइट। चलो सामने देखते हैं। अब सबसे पहले उसकी डेफिनेशन देखेंगे हम, पॉइजन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन उसका डेफिनेशन क्या है। तो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एक्स इज सेड टू follow Poisson distribution when it assumes non-negative values इतना binomial में भी था। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एक्स सेड टू फॉलो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन व्हेन इट एज्यूम्स नॉन नेगेटिव वैल्यूज, ऐसा ही सेम टू सेम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में था। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एक्स सेड टू फॉलो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन व्हेन इट एज्यूम्स ओनली नॉन नेगेटिव वैल्यूज, यहां तक का दोनों में कॉमन है। तो डिफरेंस क्या है, उसके अंदर था प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन पी ऑफ कैपिटल एक्स इक्वल टू स्मॉल एक्स इक्वल टू P of x and CX into P raised to x into Q raised to n minus x, वो उसका probability mass function था binomial का। यहाँ probability mass function बदल जाएगा, बस इतना difference है। Non-negative values and its probability mass function PMF is, उसका फॉर्मूला ऐसा है, P of capital X equal to small x, that is P of X equal to e raised to minus lambda, ये lambda लिखा है, into lambda raised to X divide by X factorial, probability mass function बदल गया, e raised to minus lambda into lambda raised to X डिवाइड बाय एक्स फैक्टोरियल। लैम्ब्डा नाम सुन के आप लोगों को हंसी भी आ रही होगी, ठीक है। लैम्ब्डा इज नथिंग बट इट इज मीन, है ना। लैम्ब्डा क्या है, मीन है, नॉट ब्रदर ऑफ लंगड़ा नहीं है भाई, वो लंगड़ा का भाई लैम्ब्डा नहीं है, लैम्ब्डा है। ओके चलो देखते हैं, पी ऑफ कैपिटल एक्स इक्वल टू स्मॉल एक्स दैट इज पी ऑफ एक्स ई रेस टू माइनस लैम्ब्डा इंटू लैम्ब्डा रेस टू एक्स डिवाइड बाय एक्स फैक्टोरियल। यहां पे सर x क्या है, तो x इज 0 1 2 अप टू n, ठीक है। जैसे कि आगे बारे में था, लैम्ब्डा इज व्हाट, तो लैम्ब्डा इज मीन, मीन को लैम्ब्डा कहेंगे। कैसे मिलता था मीन, n इंटू p करने से मिलता था, एंड e इज कांस्टेंट वैल्यू, अचर कीमत है उसका, वैल्यू है 2.7183 2.7183 का वैल्यू इज कॉन्स्टेंट, अचर कीमत है, राइट। तो उसका प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन याद रखना है। दूसरी बात, एफ डी पॉइजन इन्वेंटेड दिस डिस्ट्रीब्यूशन इन्वेंटेड शोध करी, ओके कौन है, एफ डी पॉइजन इन्वेंटेड दिस डिस्ट्रीब्यूशन, एफ डी पॉइजन है आ डिस्ट्रीब्यूशन इन्वेंशन करू, इतला माटे एने शू नाम आपवामां आव्युं छे, पॉइजन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये हमारा मेन फंक्शन, उसकी डेफिनेशन हो गई, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एक्स इज सेट टू फॉलो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, रैंडम वेरिएबल डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एक्स पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है ऐसा कहेंगे,
कब कहेंगे? व्हेन इट एज्यूम्स नॉन नेगेटिव वैल्यूज, जब वो नॉन नेगेटिव वैल्यूज को एज्यूम करता होगा, एंड इट्स प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, और उसका प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन क्या होगा? पी ऑफ कैपिटल एक्स इक्वल टू स्मॉल एक्स, दैट इज पी ऑफ एक्स इक्वल टू ई रेस टू माइनस लैम्डा इंटू लैम्डा रेस टू एक्स डिवाइड बाय एक्स फैक्टोरियल होगा। यहाँ एक्स क्या है तो 0, 1, 2 अप टू एन है, लैम्डा मतलब मीन, दैट इज एन पी मिलेगा। ई कॉन्स्टेंट वैल्यू है जिसका की वैल्यू 2.7183 रहता है। एफ डी पॉइजन इन्वेंटेड दिस डिस्ट्रीब्यूशन, ये डिस्ट्रीब्यूशन एफ डी पॉइजन ने इन्वेंट किया था, शोध करी थी, एटला माटे एनी सरनेम पॉइजन पर थी, पॉइजन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नाम पड़ू है। ओके, फिर आगे देखते हैं, इसके अंदर कुछ शॉर्टकट्स का यूज करना पड़ता है हमको, शॉर्टकट्स। ठीक है, शॉर्टकट्स के अंदर सबसे पहला पॉइंट, e रेस टू पी ऑफ जीरो, पी ऑफ जीरो आपको मिलेगा e रेस टू माइनस लैम्डा, पी ऑफ वन मिलेगा लैम्डा इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ जीरो। सेकेंड, थर्ड नंबर पी ऑफ टू, तो पी ऑफ टू कैसे मिलेगा? लैम्डा डिवाइड बाय टू इंटू पी ऑफ वन। सर क्या कर रहे हो? बता रहा हूं, पी ऑफ वन है, पी ऑफ जीरो याद रखना है आपको, ई रेस टू माइनस लैम्डा मिलेगा। पी ऑफ वन कैसे बनाना है? तो लैम्डा डिवाइड बाय वन इंटू ऊपर वाला आंसर पी ऑफ जीरो। अब यहां पी ऑफ टू है तो पी ऑफ टू कैसे मिलेगा? लैम्डा बाय टू, यहां से ब्रैकेट से लैम्डा बाय टू इंटू ऊपर वाला आंसर पी ऑफ वन। समझ गए? फोर्थ नंबर, फोर्थ नंबर में क्या मिलेगा? पी ऑफ थ्री है तो क्या लिखना है? लैम्डा बाय थ्री इंटू ऊपर वाला आंसर पी ऑफ टू। इसी तरह से पी ऑफ सेवन है तो क्या लिखेंगे? लैम्डा बाय सेवन इंटू ऊपर वाला आंसर पी ऑफ सिक्स। समझे? पी ऑफ टेन है तो क्या लिखेंगे? लैम्डा बाय टेन इंटू ऊपर वाला आंसर पी ऑफ नाइन। समझे? तो ये शॉर्टकट्स का यूज भी कभी कभी सम्स के अंदर हम करेंगे। ठीक है, अब आगे प्रॉपर्टीज, कौन से डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टीज देख रहे हैं हम? पॉइजन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की। तो सबसे पहला पॉइंट, इट इज अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। ये जो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है ये भी डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। दूसरा, इट हैज ओनली वन पैरामीटर, इट हैज ओनली वन पैरामीटर, उसका एक ही पैरामीटर है, कौन सा? लैम्डा, दैट इज लैम्डा, एंड लैम्डा इक्वल टू एनपी। लैम्डा किसे मिलेगा? एनपी करने से मिलेगा। तो इट हैज ओनली वन पैरामीटर, उसका एक ही पैरामीटर है। तीसरी बात, इट इज द ओनली डिस्ट्रीब्यूशन, इट इज द ओनली डिस्ट्रीब्यूशन, ये एक ही ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा है, इट इज द ओनली डिस्ट्रीब्यूशन इन विच, जिसके अंदर मीन इक्वल टू वेरियंस, मीन और वेरियंस दोनों इक्वल रहते हैं। अब मीन को हमने क्या लिखा था? ये रहा, मीन को हमने क्या लिखा था? लैम्डा, तो वेरियंस भी क्या रहेगा? लैम्डा। सो मीन इक्वल टू वेरियंस इक्वल टू लैम्डा, मीन और वेरियंस दोनों इक्वल है और उसकी वैल्यू किसके जितनी मिलेगी? लैम्डा की जितनी, लैम्डा दैट इज एनपी। ठीक है, फोर्थ पॉइंट, एसडी इक्वल टू, एसडी कैसे मिलेगा? तो अंडर रूट लैम्डा करने से मिलेगा या फिर अंडर रूट एनपी करने से मिलेगा। समझ गए? इट इज द ओनली डिस्ट्रीब्यूशन, ये एक ही डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा है इन विच मीन इक्वल टू वेरियंस, मीन और वेरियंस दोनों सर के रहते हैं, इक्वल रहते हैं, इक्वल टू लैम्डा इक्वल टू एनपी। तो स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे बनाएंगे? अंडर रूट लैम्डा, लैम्डा नो रूट काढ़ी है, दैट इज अंडर रूट एनपी। ओके, चलो फिफ्थ पॉइंट, इट इज यूजफुल, इट इज यूजफुल, उपयोगी है to find probability of rare event, rare
रेयर इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी फाइंड करवानी हसे। अब रेयर इवेंट्स किसको कहते हैं? फॉर एग्जांपल कोई एक फैक्ट्री है जो सेविंग ब्लेड्स बना रही है, दाढ़ी करवानी ब्लेड आवे ने एनी बात करू छु। तो समझो कि हर रोज फैक्ट्री के अंदर, हर रोज फैक्ट्री के अंदर 1 लाख ब्लेड बनते हैं दाढ़ी करने के लिए, सेविंग करने के लिए। तो उसके अंदर 2 या 5 ब्लेड डिफेक्टिव बन गए तो ये कैसा इवेंट हुआ? रेयर इवेंट हुआ। तो इस तरह की रेयर इवेंट्स की जो प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है तो किसका यूज करेंगे हम? पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का। ठीक है, जैसे कि इंडिया के अंदर रोज हजारों बच्चे पैदा होते हैं, लेकिन कभी किसी स्टेट के, किसी सिटी के, किसी गांव के, किसी एक हॉस्पिटल के अंदर बच्चा ब्लाइंड पैदा हुआ, आंधड़ू बाड़क जन्मियो, ऐसा जनरली होता नहीं है लेकिन कभी कभी हो जाता है, कुदरत है। तो ऐसे इवेंट्स को क्या कहते हैं हम? रेयर इवेंट्स। तो इस तरह के रेयर इवेंट्स जो है इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है हमको, तो हम किसका यूज करेंगे? पॉइजन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का। अंडरस्टैंड, इट इज यूजफुल टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ रेयर इवेंट्स। रेयर इवेंट्स का प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का यूज होता है। देन सिक्स्थ पॉइंट, इट इज ऑल्सो नोन एज यूनिपैरामेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। इट इज ऑल्सो नोन एज यूनिपैरामेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। यूनिपैरामेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन અને યુનિપેરામેટ્રિક ડિસ્ટ્રિબ્યુશન પણ કહેવાય છે। કેમ યુનિપેરામેટ્રિક ડિસ્ટ્રિબ્યુશન કહેવાય છે? કેમ કે આની અંદર એક જ પેરામીટર છે। વિચ પેરામીટર? ઇટ હેઝ ઓનલી વન પેરામીટર, ઉસમે એક હી પેરામીટર હે, ધેટ ઇઝ લેમ્ડા। એક હી પેરામીટર હે ઉસકા લેમ્ડા। એક પેરામીટર હોને કી વજહ સે ઉસકો ક્યા કહેતે હૈ? યુનિપેરામેટ્રિક ડિસ્ટ્રિબ્યુશન। યે સબ પોઇન્ટ્સ એમસીક્યુ મેં આ સકતે હૈ, લર્ન કરના, મોડે કરજો, ઠીક છે। ફિલહાલ વિડિયો કો પોઝ કરકે ઇતના લિખ દો, મેં આગે પઢા રહા હું। नाउ अब देखते हैं फर्स्ट एग्जांपल ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। अब सर मुझे कैसे पता चलेगा ये पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का एग्जांपल है या बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का एग्जांपल है? तो याद रखो, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का एग्जांपल दिया होगा तो ब्रैकेट के अंदर ई रेस टू करके कोई वैल्यू दिया होगा। जैसा फर्स्ट एग्जाम्पल देखो, ब्रैकेट के अंदर दिया हुआ है ई रेस टू -4 इक्वल टू 0.01832। तो ई रेस टू करके कोई वैल्यू दिया होगा तो आपको समझ लेना है वो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का एग्जांपल है। अंडरस्टैंड, खबर पड़ी, ओके ना? चलो आगे देखते हैं। इट इज नॉन दैट फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंस दैट इन अ सर्टेन प्लांट देर इज ऑन एन एवरेज उसके बाद एक नंबर रह गया है, वहां लिख देना देर इज ऑन एन एवरेज 4 इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट। 4 चौगड़ी 4 लखवानू छे, एवरेज के बाद 4 लिखना है पहली लाइन में। फिर से पढ़ रहा हूं, इट इज नॉन दैट फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंस इन अ सर्टेन प्लांट देर इज ऑन एन एवरेज 4 इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स पर डे। पर डे एवरेज 4 इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स हो रहे। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इन अ गिवन ईयर देर विल बी लेस देन 4 एक्सीडेंट्स। लेस देन 4, 4 से कम एक्सीडेंट्स होंगे उसकी प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी है। अंडरस्टैंड, सबसे पहले पहली लाइन, इट इज नॉन दैट फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंस इन अ सर्टेन प्लांट There is on an average, average के बाद मैंने लिखा है 4 industrial accidents per day। First example, example 1, poison का example है। कैसे पता चला? ब्रैकेट में दिया हुआ है e raise to -4 करके, वहां से पता चला मुझे कि poison distribution का example है। ओके okay? चलो अब ये sentence लिख रहा हूं, average 4 इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स
पर डे एवरेज 4 इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। तो अब यहां आपको एवरेज दिया हुआ है, एवरेज का सिंपल मीनिंग होता है मीन, हाँ क्या ना, एवरेज मतलब मीन। तो एवरेज मतलब मीन, मीन मतलब ये पोजीशन डिस्ट्रीब्यूशन है, मीन मतलब लैम्डा लिखना है। तो लैम्डा इक्वल टू कितना दिया हुआ है आपको, 4। आगे देखते हैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इन अ गिवन ईयर देयर विल बी लेस देन 4 एक्सीडेंट्स। प्रोबेबिलिटी फॉर लेस देन 4 इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स। लेस देन 4 का मतलब क्या होगा, 4 से कम, 4 से कम मतलब पी ऑफ 0 प्लस पी ऑफ 1 प्लस पी ऑफ 2 प्लस पी ऑफ 3। ठीक है, अब मेरे पास फॉर्मूला ये था, पी ऑफ एक्स इक्वल टू ई रेस टू माइनस लैम्ब्डा लैम्ब्डा रेस टू एक्स डिवाइड बाय एक्स फैक्टोरियल, ये फॉर्मूला था मेरा। ठीक है ना, चलो और फिर नीचे शॉर्टकट्स भी लिखे थे, पी ऑफ 0 ई रेस टू माइनस लैम्ब्डा, पी ऑफ 1 लैम्ब्डा इंटू पी ऑफ 0, पी ऑफ 2 लैम्ब्डा बाय 2 इंटू पी ऑफ 1, P of 3 lambda by 3 into P of 2। सर अजी मुझे समझ में नहीं आ रहा है, देख लो यहाँ फिर से, P of 0 याद रखना है, e raise to minus lambda रहेगा, P of 1 है तो lambda divide by 1 नहीं किया, into ऊपर वाला आंसर P of 0 lambda by 2, यहाँ से lambda by 2 into P of 1, 3 है ना तो lambda by 3 into P of 2, इस तरह से बनाना है। तो अब याद रखो एग्जांपल के अंदर जीरो से लेके सीक्वेंस में मुझे सभी की प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, मतलब जीरो फाइंड करना है, 1 2 3, जीरो से शुरू करके आगे प्रोबेबिलिटी फाइंड करते जाना है। तो मैं शॉर्टकट का यूज करूंगा, और कभी एक सिंगल प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, आपको ये एग्जांपल के अंदर ऐसा दिया होता, फाइंड द प्रोबेबिलिटी फॉर एग्जैक्टली 10 इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स, एग्जैक्टली 10 मतलब आपको 10 इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट के लिए प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। इसका मतलब 0 नहीं आएगा, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, सिर्फ एक ही वैल्यू का प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, कौन सा, P ऑफ 10। तो सिर्फ एक वैल्यू का प्रोबेबिलिटी फाइंड करना होगा तो मैं प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन का यूज करूंगा, और 0 से लेकर सभी वैल्यू का फाइंड करना होगा तो शॉर्टकट्स का यूज करूंगा। खबर पड़ी आ क्या रे लेवानू, आ क्या रे लेवानू, अंडरस्टैंड ना, किसी एक वैल्यू का प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है तो ये लेंगे, और जीरो से सभी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है तो शॉर्टकट्स लेंगे। अंडरस्टैंड, समझ गए ना। चलो तो मैं यहां पे हमको पी जीरो से पी थ्री तक सब फाइंड करना था, तो पी ऑफ जीरो शॉर्टकट से यूज कर रहा हूं, ई रेस टू माइनस लैम्ब्डा, दैट इज ई रेस टू माइनस लैम्ब्डा, लैम्ब्डा हमारा 4 था तो ई रेस टू माइनस 4, ई रेस टू माइनस 4 का वैल्यू देखो ब्रैकेट में दिया हुआ है आपको पैम्पलेट के अंदर, ई रेस टू माइनस 4 इज 0.01832, 5 डिजिट डी हुए। तो यहां पे क्वेश्चन के अंदर ब्रैकेट के अंदर जितने डिजिट डी होंगे उतने डिजिट में सभी आंसर्स लिखना पड़ेंगे, पी ऑफ 1 लैम्ब्डा इंटू पी ऑफ 0, तो लैम्ब्डा हमारा कितना था, ये रहा लैम्ब्डा 4 इंटू पी ऑफ 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 है 0.01832, मल्टीप्लाई करते कैलसी दे दो 4 मल्टीप्लाइड बाय 0.01832, मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई करने से मिला 0.07328। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 मल्टीप्लाई करो, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 कैसे मिलेगा, तो लैम्ब्डा बाय 2 यहां से लिखना है, लैम्ब्डा बाय 2 इंटू ऊपर वाला आंसर मतलब पी ऑफ 1, लैम्ब्डा इज 4 डिवाइड बाय 2 इंटू पी ऑफ 1 इज 0.07328, तो 0.07328 इंटू 4 करना है एंड डिवाइड बाय 2 करना है तो आंसर मिलेगा 0.14
0.14656। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्री, प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्री कैसे मिलेगा, तो लैम्ब्डा बाय थ्री इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ टू, लैम्ब्डा इज फोर डिवाइड बाय थ्री इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ टू, प्रोबेबिलिटी ऑफ टू इज 0.14656। ठीक है, तो 0.14656 उसको मल्टीप्लाइड बाय फोर करेंगे और डिवाइड बाय थ्री करेंगे तो आंसर मिलेगा 0.1954। कितने डिजिट थे यहाँ पहले वाले में, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4 लिखे, अभी और एक डिजिट लिखेंगे 1। समझ गए? अब मुझे फाइनली क्या फाइंड करना है, तो पी ऑफ 0, पी ऑफ 1, पी ऑफ 2, पी ऑफ 3 सभी का समेशन, ये सबका समेशन। ठीक है, ये समझ गए? ये कब लेना है, हेलो पहला फॉर्मूला किसी एक वैल्यू की प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है तो ये लिखेंगे, और 0 से सभी प्रोबेबिलिटी फाइंड करने की जरूरत है तो ये लिखेंगे। ओके, अभी हम इससे जा रहे हैं 0, 1, 2, 3 बधी सड़ंग प्रोबेबिलिटी शोधवानी छे એટલે राइट। चलो अब P of 0, P of 1, P of 2, P of 3 सभी का समेशन, तो यहां लिखूंगा मैं P of 0 प्लस P of 1 प्लस P of 2 प्लस P of 3 सबका समेशन कर दो, समेशन सरवाड़ो राइट। चलो पहला है 0.01832 प्लस 0.07328 प्लस 0.14656 प्लस 0.19541 सबका समेशन 0.43357। ये फर्स्ट एग्जांपल हमारा कंप्लीट हो गया। सेकंड एग्जांपल देखते हैं। इफ 3% ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब्स मैन्युफैक्चर्ड बाय अ कंपनी आर डिफेक्टिव, 3% बल्ब कैसे है, डिफेक्टिव है, तो यहां मुझे डिफेक्टिव का प्रोबेबिलिटी मिलेगा, P इक्वल टू प्रोबेबिलिटी फॉर डिफेक्टिव बल्ब, प्रोबेबिलिटी फॉर डिफेक्टिव बल्ब 3% है तो 3/100, तो P का वैल्यू मुझे मिला 0.03। फिर से फर्स्ट सेंटेंस, इफ 3% ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब मैन्युफैक्चर्ड बाय अ कंपनी आर डिफेक्टिव, तो हमने लिखा एन सॉरी पी 3/100 0.03। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इन अ सैंपल ऑफ 100 बल्ब्स, सैंपल कितने बल्ब्स का दिया है 100, सो एन इज 100, एन आपको 100 मिलेगा। चलो अब सबसे पहले पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर किधर भी जाओ पहले मीन तो फाइंड करना ही करना है, मीन दैट इज लैम्ब्डा दैट इज एन पी, एन 100, पी 0.03, तो मुझे वैल्यू कितना मिलेगा 100 × 0.03 आंसर इज 3, 3 मिला। ठीक है, आंसर क्या मिला मुझे 3। अब आगे देखते हैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इन अ सैंपल ऑफ 100 बल्ब एग्जैक्टली फाइव बल्ब आर डिफेक्टिव, प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली फाइव बल्ब्स आर डिफेक्टिव। चलो यहां कौन सा वर्ड आया, एग्जैक्टली फाइव बल्ब्स, मतलब मुझे सिर्फ एक ही वैल्यू फाइंड करनी है, कौन सी वैल्यू फाइंड करना है, पी ऑफ 5, एग्जैक्टली फाइव बल्ब, 5 से कम भी नहीं, 5 से ज्यादा भी नहीं, सिर्फ 5 बल्ब डिफेक्टिव होंगे उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, तो किसी एक वैल्यू का प्रोबेबिलिटी फाइंड करने का है तो हम प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन का यूज करेंगे। अभी मैंने बताया था पी ऑफ एक्स इक्वल टू स्मॉल एक्स दैट इज पी ऑफ एक्स ई रेस टू माइनस लैम्ब्डा इंटू लैम्ब्डा रेस टू एक्स एंड डिवाइड बाय एक्स फैक्टोरियल, ये वाला फॉर्मूला लिखेंगे। अब एग्जैक्टली फाइव मतलब पी ऑफ 5 फाइंड करना है, ई रेस टू माइनस लैम्ब्डा दैट इज ई रेस टू माइनस लैम्ब्डा, ये रहा लैम्ब्डा, लैम्ब्डा का वैल्यू कितना था 3, सो ई रेस टू माइनस 3
इंटू लैम्बडा रेस टू एक्स, लैम्बडा मतलब थ्री, थ्री रेस टू एक्स, एक्स मतलब फाइव, एंड डिवाइड बाय एक्स फैक्टोरियल, एक्स फैक्टोरियल दैट इज फाइव फैक्टोरियल। ठीक है, ई रेस टू माइनस थ्री, लैम्बडा का वैल्यू है माइनस थ्री, इंटू लैम्बडा रेस टू एक्स मतलब थ्री रेस टू एक्स मतलब फाइव, एंड डिवाइड बाय एक्स फैक्टोरियल दैट इज फाइव फैक्टोरियल। अंडरस्टैंड? अब ई रेस टू माइनस थ्री आपको क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, उसका वैल्यू देखो, ई रेस टू माइनस थ्री इज 0.04979 गिवन इन क्वेश्चन। ठीक है, अब थ्री रेस टू फाइव मतलब तीन को पांच बार मल्टीप्लाई करना है, तो तीन को पांच बार मल्टीप्लाई करेंगे, थ्री इंटू थ्री नाइन, नाइन इंटू थ्री ट्वेंटी सेवन, ट्वेंटी सेवन इंटू थ्री एटी वन, एटी वन इंटू थ्री टू फोर्टी थ्री होगा, त्रण ने पांच बार गुणसो, त्रण तरी नौ, नौ तरी सत्यावीस, सत्यावीस तरी इक्यासी, इक्यासी तरी बसो तैतालीस। अंडरस्टैंड? 243 लिखना है, डिवाइड बाय नीचे करना है फाइव फैक्टोरियल, फाइव फैक्टोरियल मतलब फाइव फोर थ्री टू वन। अंडरस्टैंड? फाइव फोर थ्री टू वन, तो क्या होगा 0.04979 इंटू 243 डिवाइड बाय पांच चौक बीस तरी सू एक सौ बीस। अब प्लस माइनस करके पी ऑफ फाइव का फाइनल वैल्यू मैं यहां लिख दूंगा, पॉइंट के बाद मुझे क्वेश्चन के अंदर वन टू थ्री फोर फाइव डिजिट दिए हुए, तो फाइव डिजिट का आंसर लिखना पड़ेगा 0.04979 इंटू 243 इंटू किया डिवाइड बाय 120, तो आंसर मुझे मिला 0.1008, चार डिजिट हुए, पांचवा डिजिट लिखना है टू, 0.10082। ठीक है, तो यहाँ पे बोर्ड पे मैंने एग्जाम्पल नंबर वन एंड एग्जाम्पल नंबर टू दो सम्स कंप्लीट किए, मैं आगे पढ़ा रहा हूँ, वीडियो को पोस्ट करके पहले दो सम्स लिख दो। नाउ एग्जाम्पल नंबर थ्री देखते हैं, इफ अ रेंडम वेरिएबल एक्स फॉलोज पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, एक्स पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है, उसने दिया है, हम नहीं कहते, अंदर दिया हुआ है, दैट पी ऑफ एक्स इक्वल टू वन इक्वल टू पी ऑफ एक्स इक्वल टू टू, फाइंड मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करना है, पी ऑफ एफ लिखा है वहां पी कर देना, पी ऑफ x इक्वल टू जीरो एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, थर्ड एग्जाम्पल है। चलो सामने देखो एग्जाम्पल नंबर थ्री दिख रहा है बराबर, x फॉलोज पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, x पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन ने फॉलो करे छे, अच्छा x पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है, उसका फॉर्मूला हम p ऑफ x इक्वल टू स्मॉल x दैट इज पी ऑफ एक्स मेन फंक्शन लिखता हूँ, ई रेस टू माइनस लैम्बडा इंटू लैम्बडा रेस टू एक्स डिवाइड बाय एक्स फैक्टोरियल, ऐसा उसका फॉर्मूला हम लिखेंगे। अब पी ऑफ एक्स इक्वल टू वन, पी ऑफ एक्स इक्वल टू वन इक्वल टू पी ऑफ एक्स इक्वल टू टू, ऐसा क्वेश्चन के अंदर आपको दिया हुआ है, सामने देखना, ये वाले फॉर्मूले के अंदर एक्स की जगह पे वन लिखेंगे इस साइड, और इस साइड ये वाले फॉर्मूले के अंदर x की जगह पे 2 लिखेंगे इस साइड। ठीक है, देखो क्या करता हूं, e रेस टू माइनस लैम्बडा एज इट इज इनटू लैम्बडा रेस टू x, x मतलब 1, लैम्बडा रेस टू 1 डिवाइड बाय x फैक्टोरियल दैट इज 1 फैक्टोरियल, इसका मतलब ऐसा हुआ कि इस साइड मैंने x की जगह पे 1 लिखा और कुछ नहीं किया, अंडरस्टैंड, समझ रहे हो ना, ओके। अब यहां x की जगह पे 2 लिखना है, तो क्या लिखूंगा, e रेस टू माइनस लैम्बडा, लैम्बडा रेस टू x मतलब 2 एंड डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, ओके। अब क्या होगा सर, इधर e रेस टू माइनस लैम्बडा है, इधर भी e रेस टू माइनस लैम्बडा है, ये दोनों कैंसल हो गए, सही बात है, हो गए। अब
यहां पे नीचे 2 फैक्टोरियल दिया हुआ है, इसको ऊपर ले जाता हूं, 2 फैक्टोरियल का वैल्यू होगा 2 इंटू 1, यहां नीचे 1 फैक्टोरियल का वैल्यू 1, इधर ई रेस टू माइनस लेमडा, ई रेस टू माइनस लेमडा कैंसल हो गए, इसका मतलब लेमडा स्क्वायर रह गया, लेमडा स्क्वायर, और ये लेमडा रेस टू 1 था इधर, उसको नीचे लेके जाऊंगा, सो लेमडा रेस टू 1 डिवाइड होगा, देयरफॉर लेमडा रेस टू 2 डिवाइड बाय लेमडा रेस टू 1, आंसर इज लेमडा, तो 2 इंटू 1 बाय 1 आंसर इज 2, खबर पड़े छे, लेमडा 2 मड़ी गयो बेटा, કેવી રીતે મળ્યું તો x ની જગ્યાએ 1 મૂકવાનું આ સાઈડ અને આ સાઈડ x ની જગ્યાએ 2 મૂકવાનું અને પછી આને સિમ્પલીફાઈ કરવાનું સાદું રૂપ આપવાનું તો લેમડા તને 2 મળી જશે જો અંદર હવે શું શોધવાનું કીધું છે બેટા નંબર 1 મીન ઓફ ધ ડિસ્ટ્રિબ્યુશન મિલા મીન ઓફ ધ ડિસ્ટ્રિબ્યુશન ફર્સ્ટ પોઈન્ટ મીન તો મીન મતલબ લેમડા મતલબ 2 યે મિલ ગયા સેકન્ડ નંબર सेकंड नंबर में क्या फाइंड करना है आपको p ऑफ x इक्वल टू 0 यहां f लिखा है वो p कर देना p ऑफ x इक्वल टू 0 मतलब कि p 0 तो p 0 मतलब e रेस टू माइनस लैम्डा सर ये फिर कहां से लेके आए शॉर्टकट में से p ऑफ 0 e रेस टू माइनस लैम्डा अब e रेस टू माइनस लैम्डा लैम्डा कितना है 2 है तो e रेस टू माइनस 2 लिखेंगे अब e रेस टू माइनस 2 का वैल्यू आपको ब्रैकेट के अंदर दिया हुआ है देख लो p ऑफ 0 e रेस टू माइनस 2 ब्रैकेट में आपेलू छे e रेस टू माइनस 2 इज 0.1353 गिवन इन ब्रैकेट ब्रैकेट में आपेलू छे थर्ड पॉइंट में क्या फाइंड करना है थर्ड पॉइंट में देखो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन स्टैंडर्ड डेविएशन तो स्टैंडर्ड डेविएशन का मैंने लिखा था अंडर रूट लैम्डा सो अंडर रूट लैम्डा लैम्डा की वैल्यू कितनी दी हुई है 2 तो 2 का हम रूट निकालेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन का वैल्यू मिल जाएगा रूट ऑफ 2 2 का रूट निकालना है रूट ऑफ 2 रूट ऑफ 2 2 का रूट निकालेंगे तो 1.41 मिलेगा 1.41 एसडी का वैल्यू ठीक है तो ये एग्जांपल नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया एग्जाम्पल नंबर 4 देख रहे इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बोल्ट इज 0.2 डिफेक्टिव बोल्ट का प्रोबेबिलिटी 0.2 दिया हुआ है एग्जाम्पल 4 पी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बोल्ट की प्रोबेबिलिटी आपको दी हुई है 0.2 अब आगे देखते हैं फाइन फाइंड કરવાનું છે શું ફાઇન્ડ કરવાનું છે મીન અને સેકન્ડ નંબરમાં ધ એસડી ઓફ ડિફેક્ટિવ બોલ્ટ ઇન અ ટોટલ ઓફ 900 બોલ્ટ્સ ટોટલ 900 બોલ્ટ્સ છે તો એન હમ લખેંગે 900 એન કિતના લખેંગે 900 અબ ફાઇન્ડ ક્યા કરના હે ફાઇન્ડ મીન એન્ડ એસડી મીન અને એસડી ફાઇન્ડ કરવાનું છે બેટા તો હવે સૌથી પહેલા યહાં પે દેખો ઈ રેસ ટુ કરકે બ્રેકેટ મે કુછ દિયા નહીં આપકો ફોર્થ એક્ઝામ્પલ મે ब्रैकेट के अंदर कुछ दिया हुआ नहीं है तो ब्रैकेट के अंदर कुछ दिया हुआ नहीं है इसका मतलब ऐसा हुआ बेटा कि ये बाइनोमियल होगा या पॉइजन होगा कुछ फाइनल नहीं है इसलिए यहां पे हम दो एजम्पशन रखेंगे पहला लिखते हैं हम इट इज अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है ये बाइनोमियल तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर मीन मतलब हम एमपी लिखते थे तो n इज 900 एंड p इज 0.2 दोनों का मल्टीप्लाई किया कितना मिला 900 इनटू 0.2 900 इनटू 0.2 आंसर इज 180 अब sd फाइंड करना था ना आपको तो sd करते हैं sd का फार्मूला है अंडर रूट np q बाइनोमियल की बात कर रहा हूं मैं तो यहां q कैसे मिलेगा मुझे 1 माइनस p 1 माइनस 0.2 आंसर इज 0.8 तो यहां पे मुझे मिलेगा 900 इनटू 0.2 इनटू 0.8 सबका मल्टीप्लिकेशन करो और फिर रूट निकाल दो सो 900 इनटू 0.2 इनटू 0.8 आंसर हुआ 144 अब उसका रूट निकालो तो 12 मिलेगा
ये पहला एजम्पशन मेरा इट इज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, अब दूसरा एजम्पशन इट इज पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है ऐसा एज्यूम कर रहा हूं मैं। तो यहां पे मीन मतलब लेमड़ा मिलेगा एनपी, देयरफॉर लेमड़ा इक्वल टू 900 × 0.2। सो 900 × 0.2 का आंसर हुआ 180। और यहां पे एसडी मुझे मिलेगा अंडर रूट लेमड़ा, दैट इज अंडर रूट 180। 180 का रूट निकालेंगे हम, 180 का रूट 13.42, 13.42 डेसिमल्स। तो दोनों अलग अलग कंडीशन के अंदर मीन और एसडी का वैल्यू मैंने फाइंड किया है। ठीक है, एग्जांपल 5 होमवर्क में कर देना, और लास्ट वाला एग्जांपल 6 में पढ़ा रहा हूं। एग्जांपल नंबर 6 देखो, यहां पे बिटवीन द आवर्स 2 PM एंड 4 PM द एवरेज नंबर ऑफ फोन कॉल्स, यहां पे आपको दे दिया एवरेज नंबर ऑफ फोन कॉल्स। एवरेज नंबर ऑफ फोन कॉल्स, एवरेज मतलब मीन दिया हुआ है, एवरेज नंबर ऑफ फोन कॉल्स, एवरेज नंबर ऑफ फोन कॉल्स दैट इज मीन। अच्छा, ये पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है, ब्रैकेट में ई रेस टू करके दिया है इसलिए ये लैम्ब्डा हुआ। बिटवीन द आवर्स 2 PM एंड 4 PM द एवरेज नंबर ऑफ फोन कॉल्स पर मिनट कमिंग इनटू द स्विच बोर्ड ऑफ अ कंपनी इज 2.35। इसका मतलब लैम्ब्डा 2.35 है, एवरेज नंबर ऑफ फोन कॉल्स दैट इज मीन लैम्ब्डा 2.35। आगे देखो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ड्यूरिंग वन पर्टिकुलर मिनट देयर विल बी एटमोस्ट, लिखना ऑलमोस्ट हो गया है, एटमोस्ट एटमोस्ट कर देना, एटमोस्ट 2 फोन कॉल्स। प्रोबेबिलिटी फॉर एटमोस्ट 2 फोन कॉल्स, चलो एटमोस्ट 2 का मतलब क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा 2, मतलब पी ऑफ 0 प्लस पी ऑफ 1 प्लस पी ऑफ 2। ठीक है, पी ऑफ 0 प्लस पी ऑफ 1 प्लस पी ऑफ 2, तो 0 से लेके सभी वैल्यूज फाइंड करनी है, 0 थी शुरू कर इन बड़ी वैल्यू शोधवानी है, तो शॉर्टकट का यूज करेंगे हम। पी ऑफ 0 पहले ई रेस टू माइनस लैम्ब्डा, तो लैम्ब्डा मतलब 2.35 है, तो ई रेस टू माइनस 2.35 एंड ई रेस टू माइनस 2.35 गिवन 0.095374, देन 374 सॉरी, देन पी ऑफ 1 फाइंड करेंगे, तो पी ऑफ 1 मतलब लैम्ब्डा इनटू पी ऑफ 0, तो लैम्ब्डा हमारा कितना है, ये रहा 2.35 मल्टीप्लाइड बाय 0.095374, तो आंसर क्या मिलेगा, चलो मल्टीप्लाई करते हैं, 2.35 मल्टीप्लाइड बाय 0.095374, मल्टीप्लीकेशन करके मुझे मिला 0.2241, 5 डिजिट लिखना है, 413, 2 के बाद 8 है इसलिए 3 कर दिया, 6 डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 सॉरी, 2 के बाद 8 है तो 9 लिखेंगे, 29, 6 डिजिट लिखना है। क्यों सर, क्योंकि क्वेश्चन में ब्रैकेट नी अंदर जे आपेली छे वैल्यू ए पॉइंट पछी 6 डिजिट नी छे एटला माटे। नाउ पी ऑफ 2 इज लैम्ब्डा बाय 2 इनटू पी ऑफ 1, लैम्ब्डा इज 2.35 डिवाइड बाय 2 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 0.224129, आंसर इज 0. चलो देखते हैं, 2.35 इनटू 0.224129 इनटू किया, डिवाइड करेंगे 2 से, तो आंसर मिलेगा 0.26335
0.263315 है, इसलिए 2 लिखा। अब 0 से 2 का टोटल करेंगे, ये 1, 2 एंड 3 वैल्यूज का, इटमोस्ट 2 था इसलिए, तो सबका समेशन 0.095374 प्लस 0.224129 प्लस 0.263352 टोटल इज 0.582855। समझ गए, ये एग्जाम्पल नंबर 6 हो गया। अब कौन सा एग्जाम्पल, होमवर्क में दिया मैंने एग्जाम्पल नंबर 5, होमवर्क में दिया, यहां एक हिंट्स दे देता हूं रेड कलर की पेन से, देख लेना होमवर्क में एग्जाम्पल कौन सा करना है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर से, 5th एग्जाम्पल। चलो देखो, 2% ऑफ द इलेक्ट्रिक बल्ब मैन्युफैक्चर्ड बाय अ सर्टेन कंपनी आर डिफेक्टिव, 2% डिफेक्टिव है तो पी का वैल्यू 2/100 दैट इज 0.02 मिलेगा। अंडरस्टैंड, आगे देखते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी इन अ सैंपल ऑफ 200 बल्ब्स तो एन 200 मिलेगा, इसका मतलब लैम्ब्डा हम फाइंड कर देंगे एनपी करके, ठीक है, एनपी करके लैम्ब्डा फाइंड कर देंगे। उसके बाद पहले में लेस देन 2, पहला लेस देन टू मतलब पी ऑफ 0 प्लस पी ऑफ 1, ठीक है, दिख रहा है, हेलो। फिर आगे दूसरे पार्ट में क्या है, मोर देन 2, अब मोर देन 2 मतलब 2 से ज्यादा मतलब पी ऑफ 2 से ज्यादा मतलब 3, 4 अप टू कितना लिखना है, कहां तक जाएगा 200 तक, तो कौन सी वैल्यूज नहीं आई, 3 से 200 तक आया, इसका मतलब 1 में से माइनस करेंगे हम टोटल पी ऑफ 0 प्लस पी ऑफ 1 प्लस पी ऑफ 2, इतनी प्रोबेबिलिटीज, ये 3 प्रोबेबिलिटी फाइंड करके उसको 1 में से माइनस कर देंगे तो ये सेकंड पार्ट का आंसर मिल जाएगा, ये फर्स्ट पार्ट का आंसर मिलेगा, ठीक है, ओके। P0, P1, P2 इस तरह से 0 से लेके सभी वैल्यूज फाइंड करनी है तो शॉर्टकट्स का यूज कर देना, पी ऑफ 0 e-माइनस लैम्ब्डा, पी ऑफ 1 लैम्ब्डा इंटू पी ऑफ 0, पी ऑफ 2 लैम्ब्डा अपॉन 2 इंटू पी ऑफ 1 एंड पी ऑफ 3 लैम्ब्डा अपॉन 3 इंटू पी ऑफ 2, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 5 होमवर्क में कर देना, बाकी सभी सम्स मैंने पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के खत्म कर दिए, ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब आगे पढ़ाऊंगा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट करेंगे। बाय एवरीवन।